हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ए टू जेड टीचमेंट। दोस्तों, आज मैं गणित प्रश्नावली 1.2 का सातवां सवाल बताऊंगा। सातवां सवाल मतलब दसवीं का प्रश्नावली 1.2 का लास्ट सवाल बताऊंगा। जो सवाल ये है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इतना बार समझ गए कि एक वृत्त है और इसके साथ एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। तो मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान समय पर चलना प्रारंभ करेंगे तो फिर एक ही दिशा में चलेंगे तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने टाइम में मिलेगा, यही है। तो दोस्तों, ये जो है दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो मुझे आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया सातवां का हल कि सोनिया के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट और रानी के द्वारा एक पूर्ण चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। तो अब यहाँ हल निकालने के लिए प्रारंभिक एक ही स्थान पर कितना टाइम मिलेगा, तो वो टाइम निकालने के लिए 18 और 12 को एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 18 12 का एलसीएम। 18 और 12 का लॉस, जिसको एलसीएम बोलते हैं, लॉस। ठीक है, लॉस निकाली एलसीएम। जब 18 का एलसीएम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड की 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होगा, 2। ओके, और इसको फिर करेंगे 2 दूना फिर 18 को सिंपल से निकाल लेते हैं। 18 को 2, 9 दूना 18, 3 दिया 9। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2 एक बार, 3 दो बार, और इसको मैं जब करूं तो 2×3 का स्क्वायर। उसी तरह से 12 को मैं करूंगा तो 12 क्या होगा, 12 कर लेता हूं, 12 का तो 12 को 2 6 से लगेगा और फिर 2 से लगेगा 3। तो 2×2 = 3, 2×2 = 3। जब इसको एक जगह में करेंगे तो 2×3 तो यही होगा। अब देखिए, एलसीएम कहता है जो अधिकतम मान होता है उसको लिया जाता है, जो अधिकतम मान होता है उसको लिया जाता है। तो इसमें जो अधिकतम मान क्या है, 3×2 है। तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम 12 18 और 12 का एलसीएम जो होगा, इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा वाला घात 3×2 है तो 3×2 लेंगे। इसमें जो दोनों में 2×2 है इसमें 2×2 लेंगे। अब इसको तोड़ लेते हैं, 3×3 = 9 और 2×2 = 4 करेंगे तो 4, जब इसको दोनों को गुना करेंगे तो 36। तो हम यहाँ कह सकते हैं 9×36, तो इधर 36 मिनट। तो मतलब ये होगा इसका आंसर 36 मिनट हो गया। तो दोनों एक जगह जो मिलेगा 36 मिनट बाद प्रारंभ एक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पुनः प्रारंभिक स्थान ओके स्थान पर मिलेंगे 38 मिनट, मतलब 636 मिनट बाद आपका आंसर ये रहेगा। तो दोस्तों, फिर शुरू से तक देख लीजिए, यह आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।